बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से हों, मज़े में हों और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे हों। आज मैं आपको अपनी कॉल्सो की सीक्रेट रेसिपी आपको बताना सिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की कॉल्सो जैसी है। जब भी आप फास्ट फूड मंगाते हैं तो कॉल्सो की क्वान्टिटी वो इतनी कम देते हैं कि आपका ना तो दिल भरता है और ना ही पेट। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कॉल्सो बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले बंदगोभी को स्लाइसर से बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून ने यहाँ मायनीज ली है और यहाँ हमने पहले से ही 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर बना के यानी चीनी को पीस रख लिया है। 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट ली हमने और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून मायनीज डालेंगे। आपके पास नॉर्मल मायनीज है तो वो ले लें, और अगर चिकन स्प्रिट है तो घबराना नहीं है, वो भी ले सकते हैं। मैंने वो ही ली है, इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, कम से कम 1 मिनट तो आप इसको मिक्स करें। कॉल्सो जितनी जूसी और क्रीमी होती है ना, वो इतनी ही अच्छी लगती है। हमने यह मेयोनीज इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही ऐड की है, मुझे ये बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। बंद गोभी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से स्पून से आप इसको अच्छी तरीके से हिला हिला के करें। अभी अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो इसको फौरी सर्व नहीं करें। कॉल्सो को कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 10 मिनट के बाद अब आप एक बाउल में इसको निकालें। ये देखें कितनी जूसी सी, क्रीमी सी, यमी सी लग रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। नाउ सर्व, क्रीमी कॉल्सो तैयार है हमारी। अब आप इसको रोस्ट, जिंगर या ऐसे भी खाएं, बहुत अच्छी लगती है, सबकी फेवरेट भी होती है। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी मेरी कॉल्सो सीक्रेट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।